हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इररेगुलर्स। ये शो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है। इसमें टोटल 8 एपिसोड्स है, जिसके हर एक एपिसोड 49 मिनट से लेके 58 मिनट्स के बीच में ही, और ये आपको हिंदी में देखने को मिल जाता है। शो की कहानी सेट है लंदन में, जहां पर हमें स्ट्रीट किड की एक गैंग नज़र आती है। अभी इस गैंग के मेम्बर्स है सबसे पहले बी, उसकी छोटी बहन जेसिका, जिसको कुछ मिस्टीरियस नाइटमेयर आते हैं, और साथ साथ जेसिका में कुछ पावर्स भी है। उसके अलावा इनके दो दोस्त बिली और स्पाइक। हालांकि आगे चल के इस गैंग में एक और मेंबर ऐड होता है, प्रिंस लियो, वो तो आप लोग ये शो में ही देख लेना। खैर, अब इस गैंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इनके पास पैसे नहीं है और ये अपना गुजारा चोरी करके या छोटा मोटा काम करके करते हैं। खैर, अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शर्लॉक होम्स का पार्टनर डॉक्टर जॉन वॉटसन बी को एक केस सॉल्व करने के लिए कहता है, और उसके बदले वो बी को पैसा देगा। इसीलिए बी और उसके दोस्त लोग इस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करते हैं। लेकिन इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। खैर, आप बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, जो कि टेरिफिक है, एटलीस्ट मुझे टेरिफिक लगा। उसके अलावा शो के जो स्टार्टिंग के 4 एपिसोड है, वहाँ पर आपको अलग अलग केसेस देखने को मिलेंगे, अलग अलग सुपर नेचुरल केसेस देखने को मिलेंगे, जहाँ पर ये गैंग उसको किस तरह से सॉल्व करती है वो देखकर आपको मजा आएगा। लेकिन जब 5th एपिसोड आता है, वहाँ से ये शो एक अलग लेवल पर चले जाता है, जहाँ पर हमें शर्लॉक होम्स और उससे रिलेटेड और शो से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें रिवील होना स्टार्ट होती है। तो वहाँ पर जो मज़ा आता है ना, वो तो भाई नेक्स्ट लेवल था, और वहाँ से ये शो ने मेरा पूरी तरह से दिल जीत लिया। शो में अगर कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो हर एक कैरेक्टर लाइकेबल कैरेक्टर है, स्पेशली बी और जेसिका, इन दोनों से तो आप लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे। और बिली, स्पाइक और लियो की बात करो तो उन तीनों कैरेक्टर को भी एटलीस्ट इतना अच्छा लिखा है कि आपको ये सीरीज़ में वो लोग बोर नहीं करते। शर्लॉक होम्स की बात करो तो यार, उतने लेजेंडरी कैरेक्टर को यहाँ पर कि बेवड़ा गर्दुल्ला, मतलब जिस तरह से उस कैरेक्टर को यहाँ पर बताना चाहिए था वैसा नहीं बताया, और वहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि ये हमें शर्लॉक होम्स की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हमको एज अ व्यूअर ऐसा लगना तो चाहिए कि हम लोग शर्लॉक होम्स को देख रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि बस इस बंदे का नाम शर्लॉक होम्स है, बाकी इसमें उसकी कोई भी एक एबिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ा सा अटपटा लगता है। लेकिन हर ऑडियंस का मेरी तरह ओपिनियन हो ये भी ज़रूरी नहीं है। खैर, उसके अलावा शो की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, जो VFX थे वो बहुत अच्छे लगे, और जिस तरीके से शो को एक डार्क थीम दिया ना, देखकर मज़ा आ गया। और ओल्ड लंदन को जो CGI करके बताया, मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। उसके शो में जितने भी जो सुपर नेचुरल चीज़ें बताई है या जितने भी वो मैजिकल चीज़ें बताई है, उसको बहुत ही नीटली यहाँ पर किया है। शो के BGM की बात करेंगे तो कुछ जगहों पे BGM बहुत अच्छा है, सुनकर एक अलग फीलिंग आती है, लेकिन कुछ जगहों पे इतना ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, ऐसा लगता है कि वो पर्टिकुलर सीन में वो BGM मैच ही नहीं कर रहा, तो ये इस शो की एक बड़ी नेगेटिविटी है। उसके अलावा एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, एटलीस्ट मुझे किसी से भी कोई शिकायत है नहीं। शो का जो डायरेक्शन है वो मुझे ओके लगा, अगर डायरेक्टर चाहता तो शो को और भी इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट कर सकता था। बाकी एडिटिंग इस शो की मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि 58 मिनट या 55 मिनट के एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा लेंथी लगते हैं। अगर 45 मिनट्स के हर एक एपिसोड होते ना, तो वो और भी ज़्यादा देखने में मज़ा आता और भी इंटरेस्टिंग लगता, ये एक पर्सनली मेरा ओपिनियन है। उसके अलावा शो की एक और नेगेटिविटी जो मुझे लगी कि भाई प्रिंस लियो, उसके जो रिलेटेड जो जो चीज़ें यहाँ पर बताई है, मैक्सिमम चीज़ें तो वो मुझे समझ में नहीं आई, और वो शो में कुछ खास बैठ भी नहीं रही थी। लेकिन हाँ, जब लियो अपने दोस्तों के साथ रहता है तो वो पोर्शन बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो अपने महल अपने पैलेस जाता है तो वहाँ पर जो चीज़ें बताई वो अननेसेसरी चीज़ों को ड्रैग कर रहा था, तो वहाँ पर उसको एडिट किया जा सकता था। उसके अलावा शो में कुछ कुछ जगह जहाँ पर आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो, और वो प्रेडिक्ट आपका एंड में सही भी साबित होता है। अब वो क्या है वो स्पॉयलर्स के अंदर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी देखा है तो ओवरऑल ये शो वॉचेबल शो है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मेरी इंडियन ऑडियंस, जो हमारी इंडियन ऑडियंस है, उनके हिसाब से अगर मैं सोचूं तो यस, ये शो उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इमोशंस, एक्शन, सुपर नेचुरल चीज़ें देखने को मिलेगी, एक अच्छी कहानी देखने को मिलेगी, अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, गजब की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी, तो ओवरऑल एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो सकता है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करो तो ये शो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देखना, क्योंकि इसमें कुछ किसिंग सीन्स है और कुछ ऐसे सीन्स है जो मतलब मैं इमेज चला दूंगा, वो आप लोग देख के अंदाज़ा लगा लो, तो खुद डिसाइड करो कि फैमिली के साथ देखना है नहीं। मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 8 out of 10, और हाँ, अगर season 1 चलता है, ऑडियंस को पसंद आता है, तो उसका season 2 डेफिनेटली आएगा। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, ज़्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल दैन बाय।